हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियोज। आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं कि आप GIF फोटो कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है GIF फोटो और यह है नॉर्मल फोटो जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हूं। और इंटरनेट से डाउनलोड करके मैंने फोटोशॉप की हेल्प से एक GIF फोटो बनाया हूँ, जिस तरीके का आप देख सकते हैं। इस तरीके का स्टिकर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो WhatsApp में वहाँ पे एक स्टिकर का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो क्या आपको पता है कि इस तरीके का स्टिकर कैसे बनता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं फोटोशॉप की मदद से GIF फोटो कैसे बनाते हैं। तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और भी फोटोशॉप पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुआ है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं और फोटोशॉप में हम चलिए नॉर्मल जो फोटो मैंने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला आपको काम ये करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं लेयर का ऑप्शन आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो आपको लेयर पे क्लिक करके इस पर बैकग्राउंड पे क्लिक करके और राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद ओके। तो ये आपका डुप्लीकेट लेयर कॉपी बन चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल्टर पर, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिक्विफाई पे क्लिक करना है। और इसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रश साइज जो है इसको आप 36 कर लीजिए ज़्यादा, और इसको 48, और उसके बाद ओके। फिर से एक बार इसको ओपन कीजिए और उसके बाद देख सकते हैं ऊपर में सबसे टॉप पर आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है। और उसके बाद आपको इसके आइस को बंद करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं माउस के आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इसको इस तरीके से खींच करके इसके आइस को बंद करना है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसके आइस को हाफ तक बंद कर चुका हूं और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही गाइस यहां पर क्लिक करते हैं इस आई वाले इंडिकेट लेयर पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ओपन हो रहा है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है जंप टू इमेज रेडी। तो इमेज रेडी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल करते हैं उसी समय आपके कंप्यूटर में भी इमेज रेडी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो सिंपली आपको इमेज रेडी जो नीचे सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है जंप टू इमेज रेडी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक से इमेज रेडी में आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको करना है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप एनिमेशन इमेज मैप और सीन्स, तो यहाँ पर आपको इमेज एनिमेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये डुप्लीकेट करेंट फ्रेम का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक छोटी सा ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दो लेयर बन चुका है, एक है ये है लेयर ओरिजिनल और ये इसका डुप्लीकेट बन चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पर सेकेंड लेयर पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि एक देख सकते हैं ये है फर्स्ट लेयर और सेकेंड, आपको सेकेंड पर क्लिक करके और यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। और उसके बाद इसके सेकंड को आपको इंक्रीज कर देना है, 0 सेकंड है तो इसको आपको 1 सेकंड कर देना है कि 1 सेकंड पर उसकी आइस ओपन हो और क्लोज हो, और इसको 0 सेकंड पे आपको रखना है। इसको 1 सेकंड, इसको 0 सेकंड, अगर आप इसको 2 सेकंड करते हैं तो ये 2 सेकंड के बाद इसके आइस बंद होगा। तो मैं 1 सेकंड और 0 सेकंड रखता हूँ, फर्स्ट को 1 सेकंड और सेकंड को 0 सेकंड। उसके बाद हम प्ले बटन यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आई जो है 1 सेकंड के बाद बार बार इस बंद हो रही है। और ये बिल्कुल जिस तरीके का आप अपने व्हाट्सएप में स्टिकर यूज करते हैं सेम उसी तरीके का स्टिकर आप यहाँ भी फोटोशॉप में बना सकते हैं। अगर आप इसकी सेकेंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो चलिए हम सबसे पहले स्टॉप करते हैं और फिर से इसकी सेकेंड को 2 पेज सिलेक्ट करते हैं और फिर से प्ले करते हैं। तो गाइज इसकी देख सकते हैं ये 2 सेकंड पर इसकी आई जो है क्लोज हो गई। चलिए हम इसको 1 पे ही कर देता हूँ और प्ले। सेव करने का तरीका है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्टिमाइज, तो ऑप्टिमाइज में यहाँ पर आपका GIF सिलेक्ट होना चाहिए और सेव करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले करना होगा।
आप इसको स्टॉप करके सेव मत कीजिए, नहीं तो आपका ये GIF वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आप इसको प्ले कर दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे प्ले हो चुका है। और उसके बाद सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है और सेव ऑप्टिमाइज एज पे क्लिक करके यहाँ पर आप फाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ GIF 2, क्योंकि मेरा 1 जो है ऑलरेडी है मेरे डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे 2, और इसको आप GIF ही रहने दीजिए और सेव पे क्लिक करते हैं। फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन डेस्कटॉप पे GIF 2 नेम से एक मेरा फाइल सेव हो चुका है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा GIF इमेज रेडी हो चुका है। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि फोटोशॉप की मदद से GIF इमेज कैसे बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।